कितने बड़े शख्सियत थे। और ग्यारहवीं की बात मैं बताने जा रहा हूं, जो हंगरी देश के आर्मी था, और वह आर्मी ही नहीं सर बहुत बड़ा शूटर के रूप में जाना जाता था। शूटर का मतलब बहुत बड़े बड़े निशानेबाज, मतलब अशुभ निशाना वाला, वो कौन था? गैलवे सर, वो शख्सियत। और 1938 में सर गैलवे ने अपनी पूरी मेहनत करने के बाद वो अपने आप में इतना पावर मिल बना दिया कि सर कितना बड़े निशाना रहता था उसे सर को निशाना अशुभ रूप में सर बना। लेकिन आप लोग एक नाम सुनेंगे, ओलंपिक का नाम, ओलंपिक का नाम सुने होंगे, जो प्रत्येक चार साल पर होते थे और वो प्रत्येक चार साल पर होते थे और 1940 में एक बार ओलंपिक होने वाला था। दोस्तों इसकी तैयारी किसने किया था? वहां की आर्मी। लेकिन गैलवे ने इस तैयारी 1938 में अपने पूरा कर चुका था। उसे मालूम था कि 1940 में जाने के बाद मैं ऐसा काम करूंगा। लेकिन किसी कारण बस सर आर्मी फौज में था, कहूं जा रहा था अपने फौजों के साथ, उसकी अचानक सर बम विस्फोट होने के पास उसकी मेहनत किया गया, उसकी जो दाहिना हाथ से जितना मेहनत किया था पूरा हाथ ही उसका सर गायब, समझ गया गायब। अब बताओ जिसका सोच ही था कि पूरे ओलंपिक में जाऊंगा, अब पूरा सर अपने आप को वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा और इस मेहनत से सर इस ओलंपिक में जीतूंगा 1940 में। बताओ इस सपना उसका आप पूरा रहेगा कि अधूरा? अब इतने के बाद सर वो इतना तक प्रभाव नहीं, अपने आप को सर इतना तक भी प्रभाव नहीं डाला कि मेरा हाथ भी चल गया है, परसों का किया गया मेहनत चल गया है, इसका एक फूटी प्रवाह किसने नहीं किया? गैलवे। और इसके बाद तुरंत कहा कि मैं पहले अपना जो अपनी स्ट्रेंथ है उसकी सर मैं इलाज करवाता हूं। गैलवे ने तुरंत इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद एक महीना बाद बम विस्फोट होने के एक महीना बाद अपनी कहा कि ये हाथ है इसको अब छोड़, ये गया उसको जाने दो, मेहनत गया उसको जाने दो। उसके बाद सर को कहा किया तो अपना बचा इस हाथ का सहारा लिया, जिससे सर आप लोग अगर अपने हाथ को भी जानते होंगे कि अगर आप इस हाथ से लिखते हैं, कई लोगों ने सर जीवन भर में इस हाथ से लिख गलत तक नहीं पढ़ा कि कैसे लिखा जाता है, कॉपी से लिखा जाता है, लेकिन वो ऐसा ही सर गैलवे का भी हाल था जो इस हाथ से बरसों से मेहनत किया था जो हाथ खत्म हो गया। बताओ इस हाथ से कहा, उसके पास कहा कि सर हमारे पास एकदम सवार हो गया है कि मैं ओलंपिक जीतूंगा तो जीतूंगा, और पूरा मेहनत किया, पूरा मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद सर इतना अपने आप में बायां हाथ से स्टेबल बना लिया कि 1939 में देश भर में नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का भी एक सर यहां पर उसमें चैलेंजिंग मूवमेंट आया यहां पर। और एक साल के बाद जिसमें से उसका हाथ खत्म हो गया था अब तक आया था, उसमें बहुत सारे देश के लोग आए थे। अरे ओलंपिक तो 1940 में था लेकिन उसकी तैयारी सर 1940 में चल रहा था, लेकिन बीच में नेशनल लेवल की एक शूटर की बात आ गई, लोगों ने ये भी सोच रहे थे सर, सब लोगों ने आए थे, लेकिन वहां पर जहां पर नेशनल लेवल के सर शूटर की बात चल रहा था वहां बहुत बड़े देश होकर हैंगरी के लोग आए हुए थे। वहां पर सर बीच में गैलवे नहीं पहुंचा, बहुत बड़े बड़े शख्सियत थे, बहुत बड़े बड़े शूटर थे, लेकिन लोगों ने गैलवे को सवास किया, कहा कि बहुत तुम महान आदमी हो यार, तुम बहुत महान आदमी हो कि जिसका इस शूटर के माध्यम से सर और यहां पर तुम्हारा हाथ भी चल गया, तब तुम हम लोग को सहानुभूति देने के लिए और सर दर्द देने के लिए तुम हमारे पास आए हो। बात को सुनने के बाद ठहाका लगाते हुए गैलवे ने कहा कि मैं तुमसे सावास देने के लिए नहीं, जब तुम सोच रहे कि गैलवे का हाथ चल गया तब क्या लड़ेगा, हमें सावास देगा सहानुभूति, मैं तुम्हें सहानुभूति नहीं तुमसे चैलेंज करने आया हूं कि मैं ही तुमसे चैलेंज करूंगा और कन्फर्म जीतूंगा। उसका होश खराब हो गया, उसे सोचा भी नहीं था कि सब जिसका एकदम बर्बाद हो चुका है ये क्या आगे हमसे चैलेंज कर सकता है, तो तुम्हें भी ये पावर भी होना चाहिए कि कैसे हमारे पास सामने वाला लोग सोच लिया
ये कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर अंदर अपनी इतनी तैयारी कर रहे ना, इतनी तैयारी तो सामने वाला सब उस टाइम पर एट ए टाइम सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या इतना बड़ा तैयारी कर सकता। जिस समय गैलरी का असर हुआ होगा तो बहुत लोगों ने खुशी मना रहा होगा कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है सर, क्योंकि मैं सक्सेस का जब हाथ उड़ गया हरा कौन सकता है। एक गैलरी ने यह चीज बताया कि तुम जब सोचो कि गैलरी चल गया है सर, कुछ नहीं कर सकता, उस समय मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और वो नेशनल लेवल की चीजों में सर वो मेडल जीता और गैलरी ने 1939 में जीत कर दिखाया और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त कर दिया। गैलरी इसके बाद कहा कि इससे हमें कोई सावास नहीं लेना। स्टेज पर जाने के बाद कई लोगों ने पूछा कि आप बाया हाथ से ये सर काम। गैलरी ने कहा कि ये हमारा कोई टारगेट और गोल नहीं है, हमारा गोल 1900 क्या है, 1940 का विश्व लेवल की ओलंपिक। इस ओलंपिक को हमने जीत कर दिखा। किसने सोचा? और लोगों ने सोचा था कि ऐसा ही कर नहीं सकता है। और पूरी 1939 से लेकर 40 तक के बीच में तैयारी करी। लेकिन एक बात सुन लें, 1938 में गैलरी का उम्र 28 वर्ष था सर, समझ गए। लेकिन 2 साल बाद जब 30 साल होता तो सर 1940 में उसकी सर विश्व ओलंपिक होने वाला था। विश्व ओलंपिक के लिए बहुत बढ़िया से और प्रयत्नशील बनकर सर बहुत अच्छा से तैयारी किया। उसके बाद जब ओलंपिक आने वाला था तो पता यही चला कि सर 1940 में ओलंपिक कैंसिल। अब बताओ कोई आदमी पूरी अपनी तैयारी कर लेगा, उसके बाद अगर वो काम नहीं हो पाएगा सर कैंसिल हो जाएगा, क्या बहुत लोग सर 100 में से 99 रोग निराश पड़ जाते हैं। लेकिन गैलरी ने कहा हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि फिर 4 साल के बाद ओलंपिक आएंगे और 1944 में हम जितना अभी अब प्रयास किया हूं इससे बेहतर ढंग से और जीत पाए। 1944 में इसने सर बहुत मेहनत करने के बाद 4 साल और मेहनत किया और अपने बाएं हाथ को और मजबूत किया। उसके बाद 1944 की तैयारी करने के बाद जब 1944 आया तो पता ये चला कि 1944 का भी ओलंपिक है जो कैंसिल हो गया। अरे अब बताओ 1944 आने के बाद सर कैंसिल हो गया, बताओ कई लोगों ने सर इस चीजों को देखने के बाद सोचे हुआ हार मान जाएगा, छोड़ देगा कि सर एक तो मैं ओलंपिक जीतने के लिए अपना दायां हाथ में खो दिया हूँ, उसके बाद फिर बायां हाथ खो दिया हूँ, बायां हाथ की सर इतना परिश्रम कर रहा हूँ, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। लेकिन इतना के बाद 1944 के बाद वो कहा कि और बहुत बड़ा एक्सपर्टता नियम अपनाएंगे और मेहनत करेंगे। और मेहनत करने के बाद सर वो 1948 का और 1948 में विश्व ओलंपिक हुआ और उस ओलंपिक में सर वह जीत गया और जीतने के बाद उसे मेडल मिले और वो उस मेडल को हासिल किया। इतना के बाद भी लोगों ने पूछा कि आप दायां हाथ को छोड़ने के बाद कोई लोग नहीं सर कोई सक्सेस नहीं है जो सोच सकता कि मैं पर कर सकता हूं, लेकिन आप ऐसे सक्सेस हैं कि बायां हाथ से अपने सर चैलेंज मूवमेंट को अपने सर सूत्र की ताकत दिखाने के बाद सर आपने निशाना की सर ऐसे आप चैलेंज मूवमेंट को निभा पाए हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। हंसते हुए ने गैलरी ने बोला कि ये तो कम है, अगला बार भी मैं जीत कर दिखाऊंगा। इस बार नहीं सर, अगला बार भी जीत कर दिखाऊंगा। और उसने कहा कि अभी मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब फिर दोबारा परिश्रम किया और 1952 का इंतजार किया, समझ गया ना। और सर 1952 का इंतजार किया और 1952 तक इंतजार ही नहीं मेहनत के साथ इंतजार किया और अपने टैलेंट को बढ़ाया और कभी नहीं रोका। क्यों? गैलरी के दिमाग में एक ही सोच था कि मैं उतना मेहनत करूं कि हमसे आगे बढ़ने के लिए सर इस चीज में हमसे जीतने के लिए कोई सोचे भी नहीं, नामुमकिन रहे। एक गैलरी को सोच उसने अपने पावर मिल को बढ़ाया और दूसरी बार ओलंपिक दूसरे 1952 को भी जीता और गोल्ड मेडल लिया, जो कि पहले एक हिस्ट्री बनाया सर कि बायां हाथ से दायां हाथ जाने के बाद बायां हाथ से सर दो ओलंपिक को जीता और उसके बाद अपने रिकॉर्ड बनाया कि सर बायां हाथ से। और उस रिकॉर्ड ने तो वहां पर लोगों ने पूछा उससे कि बताओ इतनी मेहनत करने के बाद आप क्यों इतना, तो बोले कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि दायां हाथ चल गया।
लोगों ने क्या सोचे, दाया हाथ चल जाएगा तो कि मैं इसके कारण दब रहा हूं। उसने कहा कि मेरा दाया हाथ चल गया तो इसलिए मैं और खुश हूं कि दाया हाथ से बनाते तो मेरा वैल्यू कम मिलता और कम लोगों ने इसके बारे में सोचता और कम लोगों ने प्रयास करता। लेकिन मेरा दाया हाथ चल गया तो मैंने बाया हाथ से बना हूं, इसका इतिहास बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन बन जाएगा। इस बात को लोगों ने सोचने के बाद सोचते रह गया और इसके बाद सर यहां पर उसने अपने प्रयास किया और तुरंत ओलंपिक जीतने वाला सर मात्र एक आदमी है जिसका नाम क्या है, और क्या मैंने ऐसा इतिहास बनाया। इसी के साथ मैं ही जय हिंद जय भारत करता हूं। आप लोग किसी चीज को अगर आप लोगों ने अगर छोड़ दिए हो, लगता है कि चीज में खो दिया हूं, ये चीज में कर दिया हूं, ये चीज मेरा ऐसा चल गया, जान लेना कि तुम्हें बेहतर बनाने का अगर जितने विपरीत परिस्थिति आएगा वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जान लेना कि अभी हमारे पास बहुत पैसा है तो मैं पढ़ के दिखाया हूं, ये कोई चैलेंज मूवमेंट नहीं है। तुम्हारे सर पैसा न रहते भर में, पढ़ने की क्षमता न रहते भर में, कम टॉपिक को पढ़ने के बाद मेहनत नहीं किया, अब से मेहनत करने के बाद अपने आप में ऐसा परिवर्तन डालो कि तुलना वाले ने इतिहास बना सके कि सर उसने इस स्थिति में था। अरे अच्छी की स्थितियों में बहुत लोग आईएएस बनते हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं, बहुत लोगों ने वैज्ञानिक बने थे, क्या सब लोग एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, सब लोग गैलरी बने थे, वैसे विशेष बहुत लोग ओलंपिक में आए थे सर, अब बहुत लोग जीते हैं, क्या सब लोग गैलरी हो सकते हैं। गैली ने दाया हाथ को छोड़ने का दाया हाथ से मुकाबला किया तब गैली का इतना असर हम लोग नाम ले रहे हैं और इतनी बड़ी मुकाबला। और आप लोगों ने वैसे चैलेंज मूवमेंट को इंतजार करो और उस मूवमेंट में लो और उसके पास से आगे बढ़ो, तब तुम्हारे कोई नाम जानेगा और कुछ इतिहास बनेगा। कोई दिक्कत है? इसी के साथ जय हिंद।